लो लो, एक दो तीन, हम अभी ऊपर करेंगे, अभी थोड़ा मारी है। नहीं 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 नहीं, ये देखिए आई लव यू को कश्मीरी में कैसे क्या बोलते हैं बताइए। आई आज हम जो हैं श्रीनगर से गुलमार्ग आ गए हैं। गुलमार्ग में हमारा ये पहला दिन है, यहाँ पर हम दो दिन स्टे करने वाले हैं, इसी वजह से आज हमने यहाँ पर ट्रैकिंग जो है करने का सोचा था और आज हम अपने पहले ट्रैक के लिए निकल चुके हैं। अगर आपको गुलमार्ग के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी तो आपको पता होगा कि यहाँ पर गोंडाला राइड या फिर जिसे आप केबल राइड कहते हैं उसमें आपको ऊपर लेके जाते हैं पहाड़ में, जहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन आज हम पूरा ट्रैक करके जा रहे हैं, आप मेरे पीछे देख पाओगे ये है पूरा ट्रैक जहां हम फेस वन तक जाने वाले हैं, कुछ 10,000 फीट तक। डिफ़िकल्ट ट्रैक है यहाँ पे ट्रैकिंग करना, क्योंकि पूरा स्नो से घिरा हुआ है ये माउंटेन और जहाँ पर जैसे जैसे आप चलते हो तो पैर जो हैं आपके ढस जाते हैं। हालांकि हमने स्नो शूज़ जो होते हैं वो पहने हुए हैं। मेरे पीछे आप देख पाओगे यहाँ पर एक पहाड़ मिला है बर्फ़ का, जहाँ से पानी का जो है शावर निकल रहा है, बहुत प्यारा सीन है ये। आराम करो थोड़ा। 3 किलोमीटर का ट्रैक जो है हमने कर लिया है और अभी 5 किलोमीटर का ट्रैक जो है बचा हुआ है। हमारे पीछे आप पूरा देख पाओगे हम पूरा ट्रैक करके आ रहे हैं, जैकेट्स उतार लिए हैं क्योंकि 3 किलोमीटर में पसीने छूट गए हमारे, अब पता नहीं ऊपर कैसे जाएंगे। लेट्स गो, पैर बहुत अंदर अंदर जा रहा है। एक एक फीट तो गड्ढे ऐसे ही हो रहे हैं। ये जंगल है, ये तो जंगल है। हाँ, यहाँ जानवर वानवर भी रहते हैं? जानवर तो रहते हैं जंगल में, रहते हैं। परेशान अरसान तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं नहीं, परेशान नहीं करता है। दिन में थोड़ा भीड़ भाड़ होता है, इसकी वजह से यहाँ पे मतलब ओपन में नहीं आता है। हाँ, तो रात के 10-11 बजे निकलते हैं वो बाहर अपने शिकार के। तो अपन नहीं निकल सकते 10 बजे जी रात को? हाँ, रात को अकेला नहीं घूम पाता। तो अभी हम जो है गुलमार्ग से आगे हैं। आगे जी गुलमार्ग से आगे हम अभी 3 किलोमीटर हैं और यहाँ से हम अभी खिलन मार्ग के लिए निकल रहे हैं। खिलन मार्ग, खिलन मार्ग अभी हमको 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर और ट्रैक करना है, और ट्रैक करना है। अरे हम तो भैया इतने में ही हम पैर बहुत घुस जा रहे हैं ना अंदर। हमारे टूर गाइड हैं और वो सामने यहाँ से धीरे से नीचे नीचे गया। हाँ, ये जो है ट्रैक इतना इजी ट्रैक नहीं है क्योंकि आपको केयरफुली गाइडेंस में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आप ये देख पाओगे कम से कम 2 से 3 फीट का गड्ढा है ये, जहाँ पे कभी आपके पैर धंस सकते हैं। तो एक प्रॉपर गाइडेंस जो है आपको यहाँ पर इस ट्रैक पर चाहिए, इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हमेशा अगर आप कभी आए ट्रैकिंग पर तो आपके साथ टूर गाइड को ज़रूर रखिए, बढ़िया आएगा। ये देखिए यहाँ तक आता था छोटा, ये गोंडाला जो राइड्स हैं इसके मिडिल में हम ट्रैक करके पहुँच चुके हैं। जब गोंडाला जो राइड है आपके सामने रोप पे जा रहे हैं, जब ये नहीं होते थे तब उस टाइम पे ये जो आपके सामने भाई मेरा चढ़ रहा है ऊपर, ये चेयर कार उस टाइम पे चलते थे जो अभी बंद हो चुके हैं, इस वजह से यहाँ पर हम चढ़ रहे हैं।
अब थोड़ा सा डिफिकल्ट जो है ट्रैक है, थोड़ा सा आप ये देख पाएंगे, ये पूरा जो है ऊपर है। अंकल ये बर्फ कितनी अंदर तक होगी वैसे अंदर यहाँ पे? ये अभी चार साढ़े चार फीट होगा। चार साढ़े चार फीट बाबू, मजाक लगाई है तुमने। यहाँ हम आ गए ऐसी जगह, देख खड़े हो नहीं पा रहे हैं एक जगह पे सीधा। ये देखिए ये बात ये, अगर आप कभी ट्रैक नहीं करना चाहते हैं तो आप इस जंगल राइड का मजा उठा सकते हैं। बहुत सारे जो हैं एडवेंचरस स्पोर्ट्स जो हैं ऊपर भी होते हैं, और मैं आपको वो ज़रूर ऊपर दिखाऊंगा। स्पोर्ट्स आज हम नहीं करेंगे, वो हमने कल का प्लान किया हुआ है। बाबू अब कहीं बैठा हो यार। यहाँ पे कोठा है, कोठे के पास में थोड़ा या ज्यादा नहीं मैगी, नहीं थोड़ा सा कुछ बनाएंगे, मैगी पौष्टिक आहार खिलाइए, मैगी बनाएंगे, मैगी इसको मैगी खानी है, हम चल नहीं पा रहे। ये बात, ये हमारे बापूजी हैं और अब इनको धोने वाले हैं हम। एक दो तीन, अब अभी ऊपर करेंगे, अभी थोड़ा क्या है वैसे ही थकान हो गई है लग रहा है हमको। हेलो, मारी है नहीं 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 मारी है कितनी तेजी है, ऐसी की तेजी भाई 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 बस रहा है भाई। हाउ स्कैरी इज दिस, और करो हमारे साथ मजाक। हाँ ये देखिए, ये भाई साहब थक गए हैं। कैसे हैं आप? हेलो कर लीजिए सबको। वालेकुम सलाम। अभी कितना ऊपर जाना है हमको? बस फर्स्ट फेज के लिए थोड़ा सा बस, चलो थोड़ा सा और बस एंजॉय। बढ़िया सा आपका एंजॉय है, गंडोला में क्या एंजॉय है, गंडोला तो सब करते हैं। बढ़िया मस्त एंजॉय, चाहते हैं हम यहाँ तक आए, नहीं तो हम तो अभी नीचे से ही वापस चले जाएं। हम बर्फ देख कर होटल में आराम से अगर आराम से आप चलो। हाँ। बस एक घंटा आपको लगेगा पूरा। हाँ। अभी और एक घंटा है अभी। देखिए इतना इजी है नहीं, वो चढ़ नहीं पा रहा है ऊपर। रेस थोड़ी कर रहे भाई। अरे भाई 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 दादा, मैगी खिला दो यार। ओहो भाई बहुत ज्यादा ही स्लिप हो रहा है वो। क्यों निकालना है, चेंज कर रहे हैं? अरे ऐसा मत करिए, आप बड़े हो अंकल। कोई बात नहीं, सी हमारे टूर गाइड कितने काइंड है, वो मेरे शूज जो है बहुत ज्यादा स्लिप हो रहे हैं, इसी वजह से वो जो है अपने शूज मेरे साथ एक्सचेंज कर रहे हैं ताकि जो है हम इजीली स्ट्राइक को कर सकें। नहीं जाएगा सर, बहुत छोटे हैं। छोटा ही आ गया, आ गया, आ गया ना। जी जी बजरंगी, ये देखिए हम वो पीछे सबसे नीचे से आए हैं, और नीचे का तो आपको दिख भी नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत ऊपर आ गए हम, और अभी भी हमारा ट्रैक जो है बचा हुआ है। कैसे आए? हाँ ये बढ़िया शूज हैं अंकल, ये वाले जूते दिलाने थे आपको। अब देखिए
काफ़ी ऊपर तक आ गए हैं, कुछ 10,000 फीट्स का ये ट्रैक है और यहाँ पर सांस लेने में भी जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, फूल रही है सांस क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा सा कम है यहाँ पर। और वो देखिए मेरे भाई को टूर गाइड के साथ जो है हाथ पकड़ के चल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ये थोड़ा सा हाँ और एडवेंचरस होता जा रहा है, चलना बिल्कुल भी यहाँ पर आसान नहीं है। थोड़ी देर बैठ जाएं क्या ऊपर? हाँ हाँ, यहाँ फोटो बहुत अच्छी आ जाएगी, खिंचवाओगे फोटो? ये जो है फोटो लेने लायक ही नहीं बचा है, इतना थक गए हैं हम। और हमारे टूर गाइड जी को देखिए, ये एकदम आपकी एज कितनी है? हमारा एज अभी 70 है। 70 एज, तो देखिए हम 22 साल के लड़के हैं, इतने में थक गए हैं। और ये हमारे 70 ईयर्स के ओल्ड जो हैं वो एकदम फुर्तीले एकदम। हाँ अब जो है हाइक जो था, चढ़ाई जो थी वो थोड़ी बहुत कम लग रही है, क्योंकि ये मेरे पीछे आप देख पाओगे थोड़ा सा फ्लैट होता जा रहा धीरे धीरे, यानी कि हम बेस कैंप की ओर जो है नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं, ज़्यादा दूर है नहीं। तो कुछ 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद जो है हम थोड़े से फ्लैट सरफेस पर आ गए हैं, जहाँ पर आप देख पाओगे पूरा फ्लैट है, लेकिन इसके बाद अभी भी हमें कुछ 1.5 से 2 किलोमीटर का हाइक करना है, उस तरफ जाएंगे हम ऊपर। लेकिन इस वक्त जो है यहाँ पर शेपर्ड लोग जो थे यहाँ पर जो रहते हैं समर्स के टाइम पर, बेसिकली वो रहते हैं, उनके घर बने हुए हैं। अभी वो लोग घर पर हैं नहीं क्योंकि पूरा बर्फ़ से घिरा हुआ है, जैसे ही समर्स आती है वापस अपने घर लौट आते हैं। शेपर्ड जिसे हम बंजारा भी कहते हैं, उनके ये घर बने हुए हैं। ये देखिए बर्फ़ जो है वो पिघल रही है, पास में मैं जा नहीं सकता हूँ क्योंकि कुछ 10 फीट गहरा है यहाँ पर बर्फ़, तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारे जो हैं घर जो बने हुए हैं सारे शेफर्ड लोगों के घर हैं। और इसके बाद जो है फेज़ वन के लिए हम उस साइड जाएंगे। तो इस जगह पर जो है यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉल भी बना हुआ है, जहाँ पर आप चाय वगैरह ले सकते हैं, चाय और जो है कश्मीरी फेमस कावा भी यहाँ पर मिल रहा है, साथ ही कुछ कश्मीरी रोटी है। ये हमेशा रहती है यहाँ पे बर्फ इतनी? हमेशा रहती है? नहीं, हमेशा नहीं रहती है। एक चाय के साथ आप क्या खा रहे हैं? ये कश्मीरी रोटी है। कश्मीरी रोटी, इसको क्या बोलते हैं कश्मीर में? इसको गिरदा बोलते हैं। गिरदा, गिरदा, क्या बात है। तुम क्या पी रहे हो बाबू? कश्मीरी कावा पियेंगे हम। तो 2 कश्मीरी कावा दे दीजिए अंकल। काजबान पड़ता है इसमें, काजबान। तो ये फेमस चीज है ये। तो ये हमारा कश्मीरी कावा आ गया है अंकल। ये बहुत मीठा है ये। अरे कावा मीठा होता है, कावे में शहद पड़ता है ना सर, इसलिए मीठा। शहद है इसमें डाला हुआ, बहुत बढ़िया। नहीं टेस्ट बहुत अच्छा है। क्यों अंकल अभी कितना ऊपर जाना है? अभी अभी उतना नहीं है यार, थोड़ा है, 2 किलोमीटर तक यार है, यार नहीं है। 1.5 किलोमीटर कब से हमारे, हम टूर गाइड से पूछ रहे कब पहुंचेंगे हम, तो बोलते हैं कि बस पहुंचने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। और जितना ऊपर चले जाओ बोलते हैं 2 घंटा लगेगा, आपकी हिम्मत हार जाएगी। नहीं वो नीचे से बोल के आया था कि 1.5 घंटा लगेगा। यहाँ पर अक्सर क्या होता है ना कि जो लोग गोंडाला से ऊपर जाते हैं ना फर्स्ट फेज में, तो मोस्टली क्या करते हैं, बाकी टूरिस्ट जाते हैं ऊपर तक चले जाते हैं गोंडाला से, उसके बाद जो है वो बाकी दूसरी राइड, जैसे कि ये जंगल राइड पीछे मेरे चल रही है, इससे वो नीचे आते हैं ताकि वो 2 एडवेंचरस एक्टिविटी एक ही टाइम पर कर सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो सिर्फ एक ही दिन यहाँ पर रुकते हैं गुलमार्ग में, हमारे पास 2 दिन है और हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ 3रा दिन भी स्पेंड करें, क्योंकि काफ़ी सारे ट्रैक्स हैं यहाँ पर, तो हम अलग अलग ट्रैक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। लगता है कावा में बहुत शक्ति थी, एकदम स्लिप हो रहा है एकदम फास्ट फास्ट। लेकिन सच में जो कावा था बहुत टेस्टी था, स्वीट था और बहुत सारे उसमें मसाले डले हुए थे, इस वजह से उसका टेस्ट बहुत रिच था। तो हमारा ट्रैक जो है अब कंटिन्यू कर रहे हैं।
हवा कैसा लगा बाबू? आवाज ही नहीं निकल रही है उसकी। बाबू बात करो। बाबू जिंदा ही नहीं है अब। क्यों? आवाज ही नहीं निकल रही। इतना हैवी ट्रैक है, चलते चलते थक गए हम। भाई ये क्या कर रहे हो? बर्फ भर रहे हैं हम। किस चीज के लिए? आगे वो करना ना अपने को। क्या? तब बताए तुमको। तो करना है क्यों बोले? हमको कुछ करना है ऐसा बोलना था ना। आगे हम बर्फ का गोला बनाएंगे। हाँ। और उसकी चुस्कियां लेंगे। चलिए समझ गए आप लोग। कहाँ जा रहे हैं? क्या हो गया? पकड़ा तुमने जो चल नहीं पा रहा है वो दादा को डंडियाँ ढूंढनी है। ये बात लो लो तोड़ दिया। खुद तो चल नहीं पा रहा, लड़की लकड़ी भी नहीं संभाल पा रहा है। अरे भैया ऐसे ही अब नहीं चल पा रहे। बाबू जी चलिए, मैदान आ गया है। मैदान आवाज गूंज रही है। बोलो बजरंगी भाई जान। तो थोड़ा सा आगे ट्रैक कर जो है हम पहुंचे हैं एक जगह पर जिसको इको पॉइंट के नाम से जो है फेमस है। यहाँ पर अगर आप कुछ बोलेंगे थोड़ा तेज तो वो आवाज़ गूंज कर जो है आपको दो बार सुनाई देती है। बहुत अच्छा लोकेशन है, फ्लैट सरफेस है और कम से कम मैं समझता हूँ हम 7 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। हाफ या फिर 1 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स जो है ट्रैक हमारा बचा हुआ है। व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ पर। स्नो भी जो है यहाँ पर बहुत क्लीन है अगर हम बाकी नीचे से कंपैरिजन करेंगे तो। और ये हमारे भाई साहब जो हैं थक चुके हैं, सो गए हैं। देखिए ये आपके सामने एक जिंदा लाश पड़ी है। आवाज़ नहीं निकल रही है इसके गले से। दादा कितना ट्रैक बचा हमारा अभी? ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से। अभी आधा किलोमीटर भी नहीं है। आधा किलोमीटर नहीं है ना? अब इस साइड जाना है ना अपने को। हाँ, व्यूज काफी अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा ये ट्रीज लगे हुए हैं, इसी से जो क्रिकेट बैट बनता है। अच्छा जो तो आप ये जो ट्रीज जो देख रहे हो चारों तरफ ये फर के हैं और पाइन के हैं। इसमें और पाइन ट्रीज हैं। दूधार का जो लकड़ी होता है इसमें वो हाउस बोर्ड में काम होते हैं। हाउस बोर्ड इससे बनती है। अच्छा हाउस बोर्ड बनते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज हैं, किसी से हाउस बोर्ड बनती है, किसी से क्रिकेट के प्रोफेशनल बैट्स बनते हैं। और कश्मीर विलो तो हमने नाम सुना ही है। आपको अगर वो हाउस दिख रहा होगा या फिर जो से होटल कह रहे हैं यहाँ पर लोग, वो हमारा बेस कैंप है। वहाँ पर हम जो है कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे। आधा किलोमीटर और है लेकिन हम वहाँ सीधा नहीं जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ से राउंड घूम कर जाएंगे। तो बस हमारा जो है ट्रैकिंग वन साइड जो है यहाँ पर समाप्त होगा। तो हम हमारे बेस कैंप में पहुँच कर जो है वहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे, कुछ खाना वाना खाएँगे और उसके बाद जो है वहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि हम पैदल ट्रैक करके जा रहे हैं या फिर कोई और यहाँ पर जो है हम एक्टिविटी के थ्रू नीचे जाने वाले हैं। मेरे पीछे आप देख पाओगे
गोंडाला राइड्स चल रही हैं। जो बेस कैंप है वो फेस वन है, तो अभी भी हमारा जो है ट्रैक जो है पूरा नहीं हुआ है। हम एक जगह पे बैठ गए हैं और हमारे जो टूर गाइड हैं वो हमें कश्मीरी लैंग्वेज सिखा रहे हैं। तो आई लव यू को कश्मीरी में कैसे क्या बोलते हैं बताइए। आई जैसे कि हम हिंदी में बोलेगा आई लव यू, कश्मीर में बोलता है वुंद मै जू, वुंद मै जू, वुंद मै जू, वुंद मै जू। हां आई मिस यू, आई मिस यू, गुड मै जू, गुड मै जू, गुड मै, गुड मै जू। यहाँ पर हम गाना लगा देंगे, हाथ थाम ले पिया, हाथ थाम ले पिया, करते हैं वादा अब से तुम्हार। तो उस पॉइंट से जो है हमारा होटल उस पॉइंट पर है जो 8 किलोमीटर नीचे, वहां से हम चलकर आ गए हैं। सामने जो शायद आपको अगर पहाड़ दिख रहे होंगे तो वो लेह लद्दाख के जो है माउंटेन्स हैं, पूरा येलो माउंटेन्स है जिसे टाइगर हिल्स के नाम से जाना जाता है। तुम ना नीचे चले जाओ मेरे चक्कर में। दादा जवान है हमसे, दादा पता नहीं क्या खाए हो जवानी में, हमारी जवानी ही खत्म हो गई आज। और जरा वापस टिकट करा ले, निकलने आ जाइए। सो फाइनली जो है हम 10,500 फीट यानी कि पूरे पूरे 8 किलोमीटर का ट्रैक करके पहुंच चुके हैं फेज़ वन में। आप मेरे पीछे जो देख पा रहे होगे ये फेज़ वन का स्टेशन है, जहां पर फेज़ वन अगर आप गोंडाला राइड से आते हो तो यहां पर आपको ड्रॉप किया जाएगा। फेज़ टू के लिए आप हमारे पीछे जो है पहाड़ देख रहे हो उसमें फेज़ टू है, वहाँ हमारी हिम्मत नहीं है, हम ट्रैक तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कल हम वापस आएंगे और कल जो हम आएंगे गोंडाला राइड लेकर आएंगे। फेज़ वन भी घूमेंगे, फेज़ टू भी घूमेंगे, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो कैंटीन्स बने हुए हैं, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, वहाँ पर खाना खा लेते हैं और उसके बाद जो है मैं आपसे मिलता हूँ। तो हमने हमारा ट्रैक जो है उसे पूरा कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम फेज़ वन बहुत देर पहले आ चुके हैं और हमने हमारा लंच जो है वो भी कर लिया है, पूरी तरीके से हम रिफ़्रेश हो चुके हैं। लेकिन अब नीचे जो जाना है उसमें हम कंफ्यूज हैं कि कैसे क्या ट्रैक करके हमें नीचे जाना चाहिए, या फिर जो स्लेजिंग जो है जंगल राइड मैंने आपको दिखाई थी वीडियो में उसमें जाना चाहिए, क्योंकि गंडोला राइड तो ऑलरेडी क्लोज हो चुकी हैं तो उसके टिकट्स अब हमें मिलेंगे नहीं, तो इस वजह से थोड़ा हम कन्फ्यूज़ हैं। अगर हम ट्रैक करके नीचे जाएंगे तो थोड़ा सा रिस्क है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिपरी है स्नो, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है थोड़ी बहुत चोट आ सकती है। बट जो स्लेज वगैरह है ना वो हमारी उनसे बात हो रही है, तो देखते हैं क्या कुछ फाइनलाइज होता है और फिर चलते हैं नीचे। कोई मुझे जंगली कहे प्यार के दीवानों में, बाबू देखना बाबू एक्सीडेंट हो जाएगा, बाबू बाबू अरे दोनों भगा।